हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे IISER के बारे में। IISER BSMS एडमिशन 2021। तो स्टार्ट करते हैं। IISER मींस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मींस कि वे इंस्टीट्यूट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं। ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। मीन्स कि वे इंस्टीट्यूट जो किसी यूनिवर्सिटी के अंडर नहीं आते हैं, इनकी जितनी भी एक्टिविटी जैसे एग्ज़ाम शेड्यूल, डिग्री शेड्यूल या जितने भी प्रोग्राम ये खुद कंडक्ट करवाते हैं, खुद ऑर्गेनाइज करते हैं, इन पर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं होता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसके अबाउट में चलते हैं। अबाउट क्या है IISER के बारे में? तो सबसे पहले अबाउट IISER है क्या, इसे कौन कौन दे सकता है, एग्ज़ाम में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इन सब के बारे में हम आज पता करेंगे। तो आपको किसी तरह का कोई डाउट ना हो इसके लिए मैं इसको ये पढ़ देता हूँ। जैसे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एस्टैब्लिश्ड IISER एट बहरामपुर, भोपाल, कोलकाता, मोहाली, पुणे, तिरुवनंतपुरम एंड तिरुपति। कुल मिला के 7 IISER है जो अलग अलग जगह पे एस्टैब्लिश्ड किए हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। क्या किस वजह से कर रखे हैं? तो टू इंटीग्रेटेड एंड प्रमोट इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। ओवर द ईयर्स IISER हैव बीन सक्सेसफुली अट्रैक्टिंग टैलेंट यंग माइंड्स। मीन्स कि वे स्टूडेंट्स जो आगे चलकर रिसर्च में जाना चाहते हैं वो यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। खास बात, ये IIT से भी बढ़कर कॉलेज है जहाँ की डिग्री आपको लाखों करोड़ों का पैकेज दिला सकती है। अब चलते हैं हम अबाउट BS एंड BSMS ड्यूल डिग्री प्रोग्राम के बारे में। सो क्या है? तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 5-year ड्यूल डिग्री प्रोग्राम फॉर साइंस स्टूडेंट्स। तो BSMS जो ड्यूल डिग्री है वो 5 साल की है, और जो BS है डिग्री है वो 4 साल की है। BS मतलब बेचलर इन साइंस, और BSMS मतलब बेचलर इन साइंस एंड मास्टर इन साइंस। जो यहाँ पे मेन पॉइंट है वो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। फुल्ली रेजिडेंशियल कैंपस विथ वेल इक्विप्ड हॉस्टल्स। मीन्स कि आपका रहना खाना सब सुख सुविधाएँ आपको वहाँ पर मिलेगी, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब प्रोग्राम कौन कौन से ऑफर कर रखे हैं अलग अलग IISER ने, तो वो यहाँ पे लिस्ट दी हुई है। जैसे बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, अर्थ एंड क्लाइमेट साइंस, अर्थ एंड एनवायरनमेंट साइंस, इस तरह से बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक जो मेन लाइन लिखी है वो मैं पढ़ देता हूँ। 4-year BS प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग साइंस एंड इकोनॉमिक्स ओनली एट IISER भोपाल। मीन्स की जो BS प्रोग्राम है, मीन्स 4 साल की डिग्री है, वो आपको IISER भोपाल में ही अवेलेबल होगी, वो भी 2 स्ट्रीम में, इंजीनियरिंग साइंस में और इकोनॉमिक साइंस में। अगर आप और भी ज़्यादा देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी IISER कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर कर रही है, तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का PDF फाइल ओपन हो जाएगी। इस PDF फाइल का जो लिंक है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ जाके क्लिक करके इसे देख सकते हैं। जैसे बहरामपुर में कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल है, भोपाल में, मोहाली में, कोलकाता में, इस तरह से ये आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, हम जानेंगे इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है? डेट ऑफ IISER एप्टीट्यूड टेस्ट। जो टेस्ट होगा IISER का वो 17 सितंबर 2021 को होगा। डेट ऑफ ओपनिंग द एप्लीकेशन पोर्टल फॉर KVPY स्ट्रीम। KVPY स्ट्रीम वालों के लिए जो इसके जो लिंक है वो ओपन होगा 1 जुलाई को, और जो क्लोजिंग हो डेट होगी वो होगी 31 अगस्त 2021 को। KVPY क्या है, इसमें कौन कौन आता है, ये सभी बातें मैं बता चुका हूँ। इसके लिए मैं वीडियो भी बना चुका हूँ, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ जाके उसे क्लिक करें और पूरा वीडियो देखें और उसे समझें कि KVPY के अंडर में आने के लिए आपको क्या करना होगा, कौन सा एग्ज़ाम देना होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। फिर आगे चलते हैं। डेट ऑफ ओपनिंग फॉर द एप्लीकेशन पोर्टल फॉर SCB स्ट्रीम। SCB का मतलब स्टेट बोर्ड सेंट्रल बोर्ड के स्टूडेंट के लिए 1 जुलाई के लिए ओपन हुआ था, और जो क्लोजिंग डेट होगी, लास्ट डेट होगी, वो 31 अगस्त होगी। मीन्स कि अभी खूब सारा टाइम पड़ा है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ ओपनिंग एप्लीकेशन पोर्टल फॉर JEE स्ट्रीम जो अभी तक नहीं आई है, मीन्स कि JEE स्ट्रीम वालों के लिए अभी तक नहीं आई है। तो कुल मिला के 3 तरह से आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको देखना है कि आप किस स्ट्रीम में फिट बैठते हैं। अब आगे चलते हैं, बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की।
तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर जब हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। तो थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, वीडियो बड़ा होगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स टू हैव पास 10+2 और इक्विवेलेंट लेवल एग्ज़ाम विद साइंस स्ट्रीम इन 2020 और 2021, मीन्स कि वे स्टूडेंट जो इस साल और लास्ट साल दोनों सालों में 12th क्लास पास कर चुके हैं साइंस स्ट्रीम के साथ, अब साइंस में PCM, PCB और भी सब्जेक्ट जो साइंस में आते हैं आपके पास होने ज़रूरी हैं, तभी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। खास बात इसमें जो लिखा हुआ है वो ये कि ISER ओनली थ्रू द फॉलोइंग 3 चैनल, आप 3 चैनल के थ्रू इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पहला किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना के थ्रू, चैनल के थ्रू। दूसरा जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन JEE एडवांस के थ्रू। ध्यान रहे ये JEE एडवांस से ही मिलेगा, क्योंकि JEE मेन और JEE एडवांस दो पेपर होते हैं, आपको एडवांस में रैंक आएगी तभी मिलेगा। तीसरा स्टेट एंड सेंट्रल बोर्ड्स चैनल्स SCB, मीन्स कि नॉर्मल जो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने ना KVFI क्लिक कर रखा है और ना ही JEE का एग्ज़ाम दे रखा है, वो इस स्ट्रीम के इस चैनल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अब तीनों की रिक्वायरमेंट क्या क्या है वो हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द कट ऑफ मार्क्स इन 10+2 एज एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन इज 60% मार्क्स इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट ग्रेड फॉर जनरल OBC एंड OBC NCL कैटेगरी, मीन्स कि 12th क्लास में आपके एग्रीगेट 60% मार्क्स होने चाहिए और 55% मार्क्स होने चाहिए SC ST और PW स्टूडेंट्स के लिए। अब चलते हैं KVPY चैनल के लिए, तो सेम वही 60% मार्क्स चाहिए। इसके अलावा वैलिड KVPY फेलोशिप कमिंग इन फ्रॉम 2021 से 2022, मीन्स कि इस ईयर में आपकी KVPY फेलोशिप आने लग गई हो तभी आप ये इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, मीन्स इस चैनल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। JEE एडवांस में आपको 15,000 की रैंक चाहिए, मीन्स कि कॉमन रैंक लिस्ट में ये चाहिए। इसके अलावा बात करें SCB चैनल की, स्टेट बोर्ड्स वालों के लिए या सेंट्रल बोर्ड्स वालों के लिए, तो स्टूडेंट्स हु हैव पास 10+2 लेवल विद साइंस स्ट्रीम इन 2020 और 2021 फ्रॉम एनी बोर्ड रिकॉग्नाइज बाय COBSE आर एलिजिबल फॉर अप्लाई एडमिशन एंड अपीयर फॉर द IIT, मीन्स की ICR का एप्टीट्यूड टेस्ट है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको कट ऑफ एरिया पार करना होगा, मीन्स की 60% लाना होगा। जिन स्टूडेंट ने JEE एडवांस नहीं दिया है, KVPY वाले स्ट्रीम में नहीं आते हैं, तो वो इसका एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए IIT एग्ज़ाम होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है स्टूडेंट अप्लाई थ्रू SCB चैनल विल हैव टू अपीयर इन द ICR एप्टीट्यूड टेस्ट विच बी कंडक्ट इट एट वेरियस सेंटर अक्रॉस द कंट्री, मीन्स कि जो जहाँ जहाँ पे सेंटर आएंगे वहाँ वहाँ इसका एग्ज़ाम होगा। आप नीचे और भी इंफॉर्मेशन है जो इससे रिलेटेड है वो आप पढ़ सकते हैं। वीडियो बड़ा ना हो इसके लिए हम आगे चलते हैं। एलिजिबिलिटी हमने देख लिया है, अब हम बात करेंगे सिलेबस की। तो सिलेबस में क्या क्या आएगा, सिलेबस के लिए आप मॉडल पेपर यहाँ पे देख सकते हैं। जो मेन सिलेबस की बात है वो आप मैं आपको बता देता हूँ। सिलेबस फॉर द ISER एप्टीट्यूड टेस्ट इज गिवन बिलो। द सिलेबस जनरली फॉलो द NCERT सिलेबस फॉर क्लास 11th और 12th। यू कैन फाइंड सम सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स हियर, मीन्स कि 11th और 12th क्लास का जितना भी साइंस से रिलेटेड पार्ट है वो सब कुछ आएंगे। जैसे मैथ आएगी, फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री आएगी और इसके अलावा बायोलॉजी आएगी। तो ये चारों पार्ट्स आएंगे, अलग अलग स्ट्रीम के स्टूडेंट अलग अलग पेपर देंगे। ये जो मॉडल पेपर है इनका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ जाके उस पर क्लिक करें और इन्हें देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर की, कहाँ कहाँ पे आएंगे। तो वैसे तो अक्रॉस इंडिया में मतलब हर राज्य में आएंगे, तो आपकी सिटी कौन सी, आपका राज्य कौन सा है वो आप इस लिस्ट में दे सकते हैं। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर बहुत सारे हैं। हम बात करेंगे सिर्फ राजस्थान की, तो राजस्थान में कहाँ कहाँ पे आएगा। राजस्थान में अजमेर में, अलवर में, बीकानेर में, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में, इन जगहों पे इसका सेंटर आएगा, आप वहाँ जाके इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। जब आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, मीन्स कि लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन, लिंक फॉर अप्लीकेशन। यहाँ पर अप्लाई करने से पहले आपको FAQ पढ़ने होंगे कि आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। तो हम FAQ में चलते हैं। ये FAQ फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं जो आपके डाउट क्लियर करेंगे। हम सभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि लगभग 60 से 61
क्वेश्चंस हैं, हम कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन, आई एम ए क्लास 11 12th साइंस स्टूडेंट टू विच प्रोग्राम कैन आई अप्लाई इन ICCR, तो वो बता ही रखा है BS 4 year डिग्री के लिए और BSMS 5 year ड्यूल डिग्री के लिए। खास बात लास्ट लाइन जो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ कि फॉर अप्लाइंग टू एनी ऑफ द BS डिग्री प्रोग्राम स्टूडेंट मस्ट हैव मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन द क्लास 12th एग्जामिनेशन। मीन्स कि अगर आपको BS प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो आपके पास 12th क्लास में मैथ से रिलेटेड सब्जेक्ट होना जरूरी है, तभी आप BS वाले प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दो कि जो अगर आपने 2019 में 12th पास किया तो आप दे सकते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है स्टूडेंट कैन नॉट अप्लाई, जो 2019 में पास कर रहे हैं किए हैं उन्होंने वो नहीं दे सकते। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 6 में, कुछ क्वेश्चन मैंने पहले से सिलेक्ट कर रखे हैं वो हम वही पढ़ेंगे। जैसे डू आई नीड टू अप्लाई सेपरेटली फॉर डिफरेंट ICCR, आपको अलग अलग देना है, तो इसमें लिखा हुआ है नहीं, आपको सिर्फ एक फॉर्म भरना है, उसी के थ्रू आपको काउंसलिंग होगी। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं जो इंपॉर्टेंट भी है, हाउ मेनी सीट्स आर अवेलेबल फॉर द एडमिशन टू द BSMS ड्यूल डिग्री प्रोग्राम इन टू 2021 में, कितनी सीटें हैं। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है ये BSMS प्रोग्राम फॉर ईच ICCR इंक्लूडिंग सुपरमेट इज 1741, मतलब 1741 सीटें हैं जो टोटल है। जैसे यहाँ पे बहरामपुर में इतनी है, भोपाल में इतनी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8, ये भी इंपॉर्टेंट है कि BS डिग्री प्रोग्राम के लिए कितनी सीटें हैं, क्योंकि BS डिग्री प्रोग्राम सी भोपाल में है, तो यहाँ पे टोटल BS में इंजीनियरिंग साइंस में 73 है और इकोनॉमिक साइंस में 242 सीट्स ही अवेलेबल है। अब क्वेश्चन नंबर 17 और 18 में चलते हैं जो इम्पोर्टेंट है, आप बाकी क्वेश्चन भी देख सकते हैं, इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप यहां तक पहुंच सकते हैं, इन FAQ को पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17, कैन आई अप्लाई थ्रू मोर देन वन चैनल, यस, तो आप एक से ज़्यादा चैनल के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स कि आप स्टेट बोर्ड सेंट्रल बोर्ड के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, आप KVPY स्टूडेंट है तभी भी ले कर सकते हैं, आपने JEE एडवांस की रैंक हासिल की है तभी भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं, डू आई नीड टू अप्लाई सेपरेटली फॉर ई चैनल, यस, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फर्स्ट डू द रजिस्ट्रेशन ऑन अप्लीकेशन पोर्टल, मीन्स कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके लिए फिर आपको अलग 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 चैनल के थ्रू इसको अप्लाई करना होगा और उसकी फीस भी अलग अलग होगी। फिर क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 में जो इंपॉर्टेंट है, इज दियर एन एप्लीकेशन फीस, इसकी कितनी फीस है पेपर की, कितनी एग्ज़ाम फीस क्या है, तो देयर इज़ नो रिफंडेबल पे एप्लीकेशन फीस, 2000 रुपये है फॉर जनरल और EWS एंड OBC एंड SEL कैटेगरी के लिए, और 1000 रुपये है पर्सन विथ डिसेबिलिटी एंड कैंडिडेट्स अंडर SC/ST कैटेगरी। मीन्स कि SC/ST कैटेगरी के लिए 1000 रुपये और बाकी सब के लिए जनरल कैटेगरी में आने वालों के लिए 2000 रुपये की फ़ीस इसके लिए लगेगी। अब क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं जो इम्पोर्टेंट भी है, आप देख भी सकते हैं, थोड़ा वीडियो बड़ा होगा इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, कैन आई अप्लाई फॉर ICCR एप्टीट्यूड टेस्ट इन माई 12th एग्जाम रिजल्ट इज अवेटेड, अगर आपका 12th क्लास का एग्ज़ाम अभी तक नहीं आया है, वैसे तो आ चुका है लेकिन अभी तक नहीं आया है, तो क्या करना होगा, तो आप तब भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। बस आपको जब एग्ज़ाम पास करने के बाद एडमिशन के लेने के समय आपको मार्कशीट दिखानी ज़रूरी होगी। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे टाइमलाइन भी दिया हुआ है कि किस टाइमलाइन तक आप इसे जमा करा सकते हैं, तो हमने पहले भी देख रखा है टाइमलाइन इसका, इसके इम्पोर्टेंट डेट्स में, इन डेट्स के पहले पहले आपको ये अपनी मार्कशीट जमा करवानी होगी। तो FAQ में आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा, व्हाट इज़ द इंटेक थ्रू द डिफरेंट चैनल, क्या क्या अलग अलग है, तो ए मैक्सिमम 25 ऑफ द सीट्स विल बी अलॉटेड थ्रू द KVPY, मीन्स कि जो स्टूडेंट इसमें हैं उनके लिए 25% सीटें हैं JEE एडवांस और ऐसे भी इनके लिए फिर बाकी की सीटें अवेलेबल हैं। सबसे पहले जो 25% सीटें होंगे वो किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना के थ्रू ही भरी जाएगी अगर उन स्टूडेंट ने अप्लाई किया है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है हमने पढ़ लिया है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 36 चलते हैं, ये रहा, व्हाट इज़ द मोड ऑफ ICCR एप्टीट्यूड टेस्ट, किस मोड में होगा, तो ये ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, मॉक टेस्ट विल बी अवेलेबल सून, आपके लिए मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज़ द सिलेबस, हमने देख लिया है। बात करें क्वेश्चन नंबर 38 की,
तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मीन्स कि एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे ईच विथ ओनली वन करेक्ट आंसर, जिनका एक आंसर होगा फॉर इन फोर सब्जेक्ट, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स में, मीन्स कि चारों सब्जेक्ट में इक्वल वेटेज होगा, चारों का इक्वल वेटेज होगा। 15-15 क्वेश्चन आएंगे, 60 टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे, जिनकी ड्यूरेशन 180 मिनट मीन्स कि 3 घंटे का पेपर होगा। हर एक मार्क्स के लिए, सही मार्क्स के लिए आपको, हर सही क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे और गलत क्वेश्चन आंसर के लिए आपको 1 माइनस मार्क्स मिलेगा, मीन्स कि नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। इन द व्हाट लैंग्वेज विल बी द ICAR एप्टीट्यूड टेस्ट बी कंडक्ट, कौन सी लैंग्वेज में ये पेपर कंडक्ट होगा? तो बोथ हिंदी और इंग्लिश, दोनों पेपर में होगा, मीन्स कि हिंदी वाला, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी दे सकते हैं और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 जो इंपॉर्टेंट है ये कि इज देयर एनी फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स एडमिटेड इन टू ICAR, तो इसे हम ध्यान से पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट्स एडमिट थ्रू KVPY चैनल विल बी एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप एज पर KVPY नॉर्म्स। स्टूडेंट्स एडमिटेड थ्रू IIT JEE और SCB चैनल्स विल बी एलिजिबल फॉर द लिमिटेड नंबर ऑफ इंस्पायर स्कॉलरशिप एज पर ऑफ द एज पर द नॉर्म्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मीन्स कि KVPY वालों को तो मिलती है स्कॉलरशिप, लेकिन अगर जो स्टूडेंट IIT JEE एडवांस के थ्रू जाते हैं या SCB चैनल के थ्रू जाते हैं तो वो इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाएंगे। मीन्स कि उन्हें हर साल 80,000 रुपये मिलेंगे उनकी डिग्री कंप्लीट होने तक। अगर आप BSD लेते हैं तो 4 साल तक और BSMS लेते हैं तो 5 साल तक आपको 80,000 रुपये मिलेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा और एक अच्छा इंस्टीट्यूट भी मिलेगा, अच्छी डिग्री मिलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि किसी दूसरे के ज़रूर काम आए। धन्यवाद।